हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टाइल बाय भूमिका। और मैं हूं आपकी दोस्त भूमिका। सो आई ऑर्डर अ बंच ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करती हूं। और साथ ही साथ हम बहुत गैप के बाद आ रही हूं, तो मैंने कहा लव आपसे बातें भी होती जाएंगी और मेकअप भी करती रहूँगी, ठीक है। तो अभी ये मेरा फेस है विदाउट मेकअप, तो चलिए वीडियो को शुरू करते। जैसा कि मैंने बताया, मैंने बहुत सारा सामान नायका से ऑर्डर किया है, तो चलिए एक की एक आपको दिखाती भी रहूँगी और साथ ही साथ मेकअप भी होता रहेगा। सो सबसे पहले जो मैंने मंगाया है नायका से वो है ये है सिंपल का वाइप्स, 25 वाइप्स हैं इसमें। सबसे पहले मैं अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ। प्राइस आपको सारे मैं यहाँ पे कहीं इधर उधर मेंशन करती रहूँगी, बिकॉज अभी मुझे याद नहीं है मैंने कितने के लिए हैं। तो ऐसा है कि वाइप, इसको लेके मैं पहले अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ ठीक से। इससे आप अच्छे से मेकअप भी रिमूव कर सकते हो। सी, क्लीन करने के बाद कुछ तो फर्क दिख रहा है, मुझे तो काफ़ी लग रहा है, आप बताना। थोड़ी देर से हम अब्सॉर्ब हो जाने देंगे। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये T3 नायका का, ये है ब्रांड नायका से T3 एसेंशियल ऑयल। ये अच्छा होता है, आप मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। लोग डायरेक्ट मेकअप करने लगते हैं, वो बहुत हार्मफुल होता है, वो नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करिए, उसके बाद ही मेकअप कोई भी अप्लाई करिए। सो ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ले लिया है इस पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाथों में लेके फिर अप्लाई करूँगी, और मैं ज़्यादा नहीं करती, थोड़ा सा ले रही हूँ, ठीक है। और ऐसे टैप टैप कर लो अपने फेस पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से आप ऐसे टैप टैप करते हो। वंस यू डन, उसके बाद आपको थोड़ा सा कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए ऐसे छोड़ देना है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं जैसे खुद करती हूँ बस मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। मैं कब क्यों ना आपसे बातें भी होती जाएंगी और साथ ही साथ मेरा मेकअप भी हो जाएगा और मैं आपके साथ प्रोडक्ट भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद जब आपने ऑयल कर लिया, उसके बाद अब आप यूज़ कर सकते हो मॉइस्चराइज़र आफ्टर 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये मॉइस्चराइज़र मेरे पास पहले से था, मैंने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि अभी मेरे पास स्टॉक में है, मैंने कहा क्या ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ, मेरे को लगता है मैं स्किन अच्छे से प्रेप कर लूँ अपनी, ताकि कोई भी केमिकल या किसी भी तरीका प्रोडक्ट मेरे स्किन में कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं करे। तो इसलिए बहुत ही फेमस है ये मॉइस्चराइज़र और बहुत ही अच्छा है। ये भी मैंने नायका से ही लिया था बहुत पहले, मैंने ये चीज़ सीखा है YouTube से ही सीखा है, इंस्टा पे बहुत सारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे ही सीखा है कि जब भी आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लो तो उसे आप डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई मत करो, हमेशा उसे पहले मिक्स करो ताकि उसका जो भी फॉर्मूला है वो एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद आप अपने फेस पे अप्लाई करो, ठीक है। और बहुत ही आराम से, कोई भी जल्दी नहीं है, ठीक है। और जब आप अप्लाई कर लेते हो तो लीव एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, उसके बाद फेस के साथ साथ आपको अपने लिप्स को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना है या फिर अच्छे से प्रेप करना है। तो हम ये भी ले लेते हैं, तो ठंडी है तो विंटर सीजन है तो और लिप्स का बहुत केयर करना पड़ता है। मॉइस्चराइज़र को कुछ 30 सेकेंड से ज़्यादा ही छोड़ दिया है। लिप को प्रेप करने के बाद अब बारी आती है प्राइमर की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट तो इससे भी जितने भी बताए वो भी है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने ऑर्डर किया है नायका का प्रेप मेकअप फेस प्राइमर,
इसमें दिया हुआ है टोनर प्लस स्मूदन प्लस परफेक्ट। मैंने अपना फेस पूरी अच्छी तरीके से प्रेप कर लिया है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और ये यूज़ कर रही हूँ मैं कलर करेक्टर, क्योंकि मेरे आप देख रहे हो डार्क सर्कल्स हैं, तो उसे कवर करने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी एले गर्ल्स का। ऑरेंज है ये, वैसे ऑरेंज शेड है। अब अप्लाई करती हूँ थोड़ा यहाँ, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि डार्क है आपका एरिया, वहाँ वहाँ आप इसे अप्लाई कर लो। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोला था, मैं आपको इन सब की प्राइस इधर इधर दाएं बाएं कहीं भी बता दूंगी। इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बट मैंने इसे वैसे गीला करके कर तो लिया है, बट फिर भी मैं यूज़ करती हूँ सेटिंग स्प्रे का, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे रिजल्ट मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो यहाँ मैं ये फेसेस कैनेडा का स्प्रे, सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं हनुमान जी बन चुकी हूँ पूरी तरीके से, मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा अप्लाई कर लिया, बट कोई नहीं। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ लैक्मे का कंसीलर, ठीक है। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट वाइट इंटेंस लिक्विड कंसीलर SPF 25, मैं यहाँ पे शेड 25 यूज़ कर रही हूँ। बहुत थोड़ा ही थोड़ा लेंगे, जहाँ जहाँ आपने ऑरेंज कलर करेक्टर या कोई भी कलर करेक्टर यूज़ किया हुआ है अपना डार्क सर्कल्स हटाने के लिए। एक बार जब आप पूरा कंसील कर लेते हो अपना चेहरा, उसके बाद आपको तुरंत आंखों के नीचे कोई भी लाइनिंग ना आए, वैसे आ जाती है क्योंकि हम इधर उधर पलक ऊपर नीचे करते हैं, तो हम इसे जल्दी से कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट बाय द वे मेबलिन फिट मी का, ठीक है। हाँ, जो जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं इस बार नायका से, वो मैं आपको मेंशन करती रहूँगी, बाकी तो मेरे पास पहले से थे, तो मैंने कहा लाओ इसमें ऐड करनी है मेकअप, तो वो भी दिखाती जाऊँगी। तो अब मैं फाउंडेशन यूज़ करने जा रही हूँ। ये फाउंडेशन भी लैक्मे 925 है, प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फॉर फाउंडेशन, ऐसे लिखा है परफेक्ट कवर। तो ये भी यूज़ कर, वैसे मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, पर आज जो कि वीडियो में मुझे ये दिखाना था कि मैंने ये भी परचेज किया है, तो मैं बहुत हल्का हल्का लगा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है, देखते हैं कैसी कवरेज आती है। मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा। वैसे कवरेज तो अच्छी आ रही है, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से, ठीक है। मैं अपनी आई मेकअप करने के लिए बहुत सटल सा मेकअप रखना है, तो कुछ ज़्यादा ड्रामा नहीं करना है मुझे, तो ये नायका की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो मैं अपने आईज़ के लिए यूज़ करूँगी, बहुत ही हल्का सा लेके ऐसे ही हाथ में, ठीक है, और यूँ अपने आँखों पे अप्लाई कर लूँगी। लगे भी कि तो मेकअप किया भी है और लगे भी नहीं कि मेकअप किया हुआ है, सो फनी। तो मस्कारा यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। मैंने मिरर नहीं ले रखा है, तो मैं इसी में देख के कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने मस्कारा भी लगा लिया है, ठीक है। आईलाइनर मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे सच बताओ तो आता भी। अब मैं ब्लश के लिए ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये मैट लिपस्टिक है, यही मैं लिप्स पे भी यूज़ करूँगी और यही मैं चिक्स पे भी यूज़ करूँगी अपने। तो खोल
लेते हैं इसको, दो ड्रॉप एक दो यहाँ, एक दो यहाँ, थोड़ा सा नोज पे और थोड़ा सा यहाँ पे। देन एक बार फिर से सेकंड स्प्रे मारते हैं ब्यूटी ब्लेंडर पे और अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छे से ब्लेंड हो गया है, हम लिपस्टिक लगा लेते हैं यही। थोड़ा सा हाथ से ऐसे स्नैच कर लेते हैं। फिर बस लास्ट स्टेप बचता है मेरे हिसाब से, हाइलाइटर। ये के ब्यूटी का हाइलाइटर मैंने ऑर्डर किया है, इस पे लिखा हुआ है इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ इसको, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है। मेरे पास वैसे हाइलाइटर ब्रश नहीं है, तो मैं ये स्विस ब्यूटी का ब्रश यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथ से अप्लाई करूँगी। उसके बाद ऐसे करके बहुत ही हल्के हल्के हाथ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ओह दिस इज मैजिकल यार, कितना सही है, इतना कम प्रोडक्ट लेने पे इतना अच्छा हाईलाइट कर दिया इसने। कैन यू सी, वैसे नो मेकअप मेकअप लुक है तो ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। पर आप जब सब चीज़ें करके डन हो जाते हो तो सेटिंग स्प्रे से आप अपना पूरा मेकअप सेट कर लो। आप चाहो तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, मेरे को लगता है मैं जब भी डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इस स्पॉन्ज पे या ब्यूटी ब्लेंडर पे डाल के उसके बाद अप्लाई करूँगी, ठीक है। माय फाइनल लुक, सो दिस इज माय फाइनल लुक। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस करिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव लव।